नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। और बात सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करेंगे। तो देखिए, आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ किया जाएगा, अगर राजस्थान की बात करते हैं तो। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि बड़े स्तर पर इसी को लेकर तैयारियां की जा रही थी। फिलहाल आज बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान वासियों को दी जाएगी। तो देखिए, आज एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, आपको बता दें कि अगर वंदे भारत ट्रेन की बात करते हैं तो 13 अप्रैल 2023 से ये शुरू होगी और ये अजमेर और दिल्ली कैंट के बीच चलेगी। ये ट्रेन जयपुर, अलवर और इसी के साथ ही गुड़गांव में भी रुकेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस अजमेर से दिल्ली कैंट की दूरी 5 घंटे 15 मिनट में ये तय करेगी। कि आपको बता दें कि इस मार्ग की वर्तमान में सबसे तेज ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस है, जो दिल्ली कैंट से अजमेर के बीच का सफर 6 घंटे 15 मिनट में तय करती है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो वंदे भारत एक्सप्रेस उस मार्ग पर चलने वाली वर्तमान की सबसे तेज ट्रेन की तुलना में 60 मिनट तेज होगी। आपको बता दें कि ट्रेन पुष्कर, इसी के साथ ही अजमेर शरीफ दरगाह सहित राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों से संपर्क में सुधार करेगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात सचिन पायलट की करेंगे। आपको बता दें कि राजस्थान में अपनी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट आज, आपको बता दें कि पार्टी नेतृत्व से मिलने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। सचिन पायलट की भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के लिए अशोक गहलोत सरकार पर दबाव बनाने के लिए मंगलवार को किए गए उपवास के बाद कांग्रेस ने कड़ी चेतावनी दी है। पार्टी की ओर से कहा गया है कि उनकी ओर से इस तरह का अब कोई भी कदम पार्टी विरोधी गतिविधि मानी जाएगी। तो वहीं इस मामले में लगातार चुप्पी साधे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। कांग्रेस का नाम और चुनाव चिन्ह इस्तेमाल किए बगैर पायलट ने मंगलवार को जयपुर में अपना एक दिवसीय उपवास किया था। इसमें बीजेपी की वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खिलाफ आरोपों पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया गया था। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात झांसी की करेंगे। झांसी जिले के मोट तहसील में नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। आपको बता दें कि जिसको लेकर तहसील प्रशासन तैयार है। उप जिला अधिकारी जितेंद्र सिंह वीरवाल ने जानकारी देते हुए बताया है कि 11 तारीख से 17 तारीख तक पर्चा खरीदारी और इसी के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया को शासन के आदेश अनुसार करवाया जा रहा है, जिसके तहत तहसील मोट में चिरगांव इसी के साथ ही समथर मोट के नामांकन के लिए 7 कक्ष तैयार किए गए हैं, जिनमें नामांकन प्रक्रिया को संपन्न कराया जाएगा। इसी के साथ ही 14 आरओ और इसी के साथ ही 28 एआरओ की तैनाती चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने में लगाई गई है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि कक्षों में डोर टू डोर वीडियोग्राफी की जाएगी। नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होगी, जिसके तहत ग्रामीण पुलिस अधीक्षक झांसी गोपीनाथ सोनी ने आज मोट तहसील का निरीक्षण किया और पोलिंग बूथों को भी जांच उनकी तरफ से की गई। मतगणना स्थल का भी जायजा लेने वो वहां पर पहुंचे थे। इसी के साथ ही पुलिस अधिकारियों से भी उन्होंने बातचीत की और आगे के लिए दिशा निर्देश दिए गए। हाँ, जैसा कि विदित है कि आज 11 से लेकर 17 तक नामांकन की प्रक्रिया आरंभ रहेगी निकाय चुनाव की। हमने पूर्ण तैयारी की है, बैरिकेडिंग प्रॉपर की है, 7 कक्ष हमारे नॉमिनेशन के लिए तैयार किए गए हैं, 14 आरओ हमारे यहाँ है और 28 एआरओ नियुक्त इस हेतु किए गए हैं नामांकन के लिए। 7 कक्ष अलॉटमेंट किए गए हैं, सभी 7 कक्ष की वीडियोग्राफी और सभी 7 कक्ष में सामग्री, स्टेशनरी, सारी चीज की संपूर्ण व्यवस्था है और सभी के लिए बैरिकेडिंग में अलग अलग। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात हरदोई की करेंगे। हरदोई में न्यू बॉम्बे साड़ी सेल की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आपको बता दें कि आग देखते ही देखते छप्पर के टाट जलकर इस दौरान खाक हो गए। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। हालांकि जैसे ही आग लगी फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया, मौके पर दमकल की 2 गाड़ियां पहुंची। फायर ब्रिगेड और इसी के साथ ही स्थानीय लोगों की सतर्कता से बड़ा नुकसान होने से बच गया। आग लगने से हालांकि आपको बता दें कि उस दौरान अफरा तफरी का माहौल भी रहा, लेकिन समय रहते दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया।
और वहीं गाजीपुर में प्रथम चरण में 4 मई को निकाय चुनावों के लिए मतदान होना है, जिसके लिए आपको बता दें कि नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। निकाय चुनावों को लेकर डीएम और इसी के साथ ही एसपी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और डीएम ने बताया कि जनपद में आचार संहिता लागू है और उसका कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। सार्वजनिक रूप से किसी भी कार्यक्रम की अनुमति नहीं है। रमजान में भी कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं किया जा सकता। जनपद में कुल 2,49,358 वोटर निकाय चुनावों ने के अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि पिछले चुनाव के अपेक्षाकृत इस बार 23,811 नए मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जनपद को कुल 12 जोन और 26 सेक्टर में बांटा गया है। सभी जोन और सेक्टर में एक एक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। इसके अलावा खर्चों की जो मॉनिटरिंग है उसको करने के लिए आपको बता दें कि एक्वायर्ड टीम बनाई गई है। इस तरह की 24 टीम बनाई गई है जिनकी 8-8 घंटे की ड्यूटी होगी। इसके अलावा लाइसेंसी असलों को जमा कराया जा रहा है और असले की दुकानों की भी चेकिंग की जा रही है। और आज 11 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है जो कि 17 अप्रैल तक होगी और फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स 21 अप्रैल को जारी होगी। इसी बीच में हम मतदान कार्मिकों की ट्रेनिंग कराएंगे और आप जब तक भी आदर्श आचार संहिता लागू है उसका अनुपालन कराया जा रहा है। एसडीएम सीओ द्वारा कंट्रोल रूम बनाया गया है विकास नगर में जहाँ निर्वाचन संबंधी शिकायतों को दर्ज कराया जा सकता है। देखिए रमजान की महीने में जो भी इफ्तार का आयोजन होता है वो अपने घर में कर सकते हैं, किंतु सार्वजनिक रूप से करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और इसके लिए अनुमति जारी करने के पहले जो भी एसडीएम से जांच पड़ताल करेंगे और उनकी जांच करने के बाद ही अनुमति जारी की जाएगी। हमारे जनपद में इस साल 2,29,358 वोटर्स हैं। आज से नामांकन शुरू हो गया। जनपद गाजीपुर में 7 जगह नामांकन प्रक्रिया चल रही है। 7 जगह हमारे राजपत्रित अधिकारी के नेतृत्व में फोर्स लगा हुआ है। वहां की सीटों के हिसाब से एडिशनल फोर्स भी कुछ जगह दिया गया है और जहां तक आने वाली पूरी प्रक्रिया है क्योंकि आज से चुनाव की काउंट सेट हो गई है और अब जैसे जैसे ये कारवां आगे बढ़ेगा। और वहीं झांसी में निकाय चुनाव को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने गुड़सराई में सभी बूथों पर पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया। आपको बता दें कि इसके बाद थाने में आतिशबाजी से जुड़े कारोबारियों की बैठक ली और ऐसे कारोबारियों के भंडारण स्थलों की जानकारी लेकर विभिन्न बिंदुओं पर चुनाव आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के लिए डिप्टी कलेक्टर गरौठा अतुल कुमार और डिप्टी एसपी गरौठा लक्ष्मीकांत गौतम के साथ साथ थानाध्यक्ष गुड़सराय ललितेश नारायण त्रिपाठी ने आतिशबाजी से जुड़े कारोबारियों के द्वारा बताए गए भंडार स्थलों का निरीक्षण किया, जहां एक आतिशबाज कारोबारी के यहां पर निरीक्षण में आग बुझाने वाला सिलेंडर खराब पाए जाने से उसे नोटिस जारी किया गया और इसी के साथ ही मतदेय स्थलों पर थाने के पास ही उच्च प्राथमिक विद्यालय और इसी के साथ ही प्राइमरी स्कूलों में गंदगी की व्यवस्था को देखते हुए वहां पर तुरंत इसको लेकर काम करने की बात कही गई। आज मैंने और पुलिस क्षेत्राधिकारी महोदय ने एक साथ मिलकर कानून व्यवस्था और आगामी नगरीय निकाय निर्वाचन के तहत आदर्श आचार संहिता के अनुपालन और बूथों की सुरक्षा व्यवस्था इत्यादि के संबंध में गुड़सराय नगर क्षेत्र में भ्रमण किया। साथ ही गुड़सराय से कुछ दूरी पर स्थित कुछ आतिशबाजी के दुकानों का भी एक लोगों ने संयुक्त निरीक्षण किया। आतिशबाजी की दुकान पर एक सिलेंडर मानक के विपरीत पुराना पाया गया, जिसके संबंध में उनको नोटिस देकर कार्रवाई की जा रही है। जहां तक बूथों की सुरक्षा का प्रश्न है, गुड़सराय थाना के नज़दीक स्थित जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें हम लोगों ने सघन निरीक्षण किया और पाया कि अंदर सफाई की आवश्यकता है। और वहीं कोतवाली अजीतमल क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम शाहपुर तुमरिया में वर्तमान प्रधान के घर अज्ञात लोगों ने घर में घुसकर चोरी को अंजाम दिया।
ग्राम पंचायत सहबाजपुर के वर्तमान प्रधान समरथ सिंह के घर कुछ अज्ञात लोगों ने ग्राम प्रधान को मारने की नीयत से रात में घटना को अंजाम दिया था। घर पर रखी नकदी और जेवरात भी इस दौरान वो लेकर फरार हो गए। घर पर प्रधान की पत्नी अकेली थी जिसके हाथ पैर बांधकर वो फरार हो गए। आपको बता दें कि जबकि प्रधान एक कार्यक्रम में घर से बाहर गए हुए थे, हालांकि प्रधान के लड़के बाहर रहते हैं। पड़ोस के अवनीश कुमार पुत्र तरबाबू निवासी शाहपुर ने आकर अकेली महिला की आवाज सुनी और उसके बाद दीवार को कूदकर हाथ पैर खोला और तत्काल प्रधान को सूचना दी। घटनास्थल पर पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई उनकी तरफ से शुरू कर दी गई है। और अय्या से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। तो मामला ये है, हम लोग सब रात को सो रहे थे और एक प्रधान जी है, उनके घर में चोरी हुई है और हमारी प्रधान जी हमारे ताऊ हैं और ये कहीं गए थे, प्रोग्राम में गए थे तो घर पे कोई नहीं था, तो हमारी ताई अकेली थी। आपको जानकारी कैसे हुई? हमको जानकारी, हम यहाँ पे 1:15 बजे आए, यहाँ पे देखा तो चिल्ला रही थी हमारी ताई, चिल्ला रही थी तो हम लोग यहाँ पे आए तो देखा के तो इनका हाथ पैर बंधे हुए थे, तो फिर गेट बंद हुआ था, अंदर से ताला था, तो सो रही थी, वहीं से ये घटना हुई है। तो मैं ऊपर से कूद के आया, हाथ छोड़ा इनका, पैर छोड़े और मुंह में चुन्नी लपड़ी हुई थी, बांध दिया था चेहरा, फिर खोला के गेट खोला, जब भी सब लोग आए, जब भी वो लोग भाग गया, कोई जो भी था वो भाग गया। पहले मच्छरदानी खोली तो हम सोए गए थे, तो हमने जानी प्रधान आए गए तो मच्छरदानी खोली, तो मच्छरदानी हमने पकड़ ली, फिर बिनू ने पकड़ ली, फिर हमें तो दो लोग दिखाने मतलब, फिर हमने जानी देखी क्या लोग आएंगे, तो दो लोग निखार के तो एक अलग ताला खोलो अपनों का ही, हमें चीज बत बताओ कहाँ है रुपया पैसा कहाँ है प्रधानी को, तो हमने फिर ताला खोलो, ताला खोल के और वे भीतर अपने ढूंढा एरी में लग गए चीज बत के में, और एक ने मैं पकड़ लो खींच लो, खींच के ले आओ इंजन पे। एक अभी कुछ देर पहले लगभग 2 बजे के करीब एक सूचना प्राप्त हुई थी, ये थाना जीतमल क्षेत्र में पड़ता है शाहपुर तुमरिया, इसमें कुछ लोगों ने सूचना दी कि कमला देवी इनके घर में इनको कुछ लोग हाथ पैर बांध के चले गए, तो मौके पर हम सभी लोग आ गए, SHO और CO सबसे पहले पहुंचे थे, तो जो आकर कमला देवी से जो पूछताछ हुई, इन्होंने बताया इनके पति समरथ सिंह जो ग्राम प्रधान है, ये 3-4 लोग हैं इनके गांव के, इनके साथ 800 क्षेत्र में एक ये बिरूनी पड़ता है, वहाँ पे एक कथा चल रही है, उसमें उसे अटेंड करने गए थे, तो लगभग 12:30 बजे की घटना ये बता रहे हैं कि ये अपना ये जो खुला ये है मेन गेट बंद है और बीच में खुले आंगन में ही अपना लगाकर सो रही थी मच्छरदानी। और वहीं कासगंज पुलिस ने एक बार फिर से ईमानदार इंसानियत की मिसाल पेश की है। आपको बता दें कि एक्सीडेंट में बेहोश पड़े मिले व्यक्ति को उपचार के लिए भर्ती ही नहीं कराया हेड कांस्टेबल ने, बल्कि पड़ोस में पड़े हुए मिले बैग में रखी हुई 5 लाख रुपए की नकदी को भी परिजनों को सौंप दिया, जिससे कि घायल के परिजनों के चेहरे पर खुशी वापस लौट आई। हादसे में घायल हुआ व्यक्ति सहावर कस्बे का रहने वाला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि ईमानदारी की मिसाल कासगंज सदर कोतवाली में तैनात एक हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार ने पेश की है। बताया जा रहा है कि सहावर कस्बा निवासी राजवीर साहू कासगंज से अपने घर जा रहे थे, तभी उनकी बाइक अज्ञात वाहन से टकरा गई, जिससे कि वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। इस मामले की जानकारी राहगीरों ने रांची रोड पर पेट्रोलिंग कर रही पुलिस को दी। पुलिस ने सबसे पहले घायल व्यक्ति को अपनी कार से ले जाकर अस्पताल में भर्ती कराया, उसके बाद बाइक और पास ही में पड़े हुए बैग को अपने सुपुर्द में ले लिया। बैग में 5 लाख रुपए की नकदी भरी हुई थी। दोपहर जिला अस्पताल में पहुंचकर मुकेश कुमार ने बैग में भरी 5 लाख की नकदी को राजवीर साहू के बेटे दिनेश साहू को सौंप दिया। एक चांदी रोड पे नगला चीटा से पहले एक एक्सीडेंट हो गया था, नील गाय से बाइक सवार का, जो सावर के रहने वाले थे, अकेले पड़े थे, एक बाइक सवार ने हमें सूचना दी, हम मौके पर पहुंचे और हॉस्पिटल पहुंचाया, उनके पास एक बैग मिला जिसमें 5 लाख रुपए थे, वो उसके परिजनों को बुलाकर उसके बेटे को सुपुर्द कर दिए, उन्होंने कासगंज पुलिस को बहुत धन्यवाद दिया, बहुत बहुत खुश हुए वो लोग।
और वहीं आगामी नगर निकाय निर्वाचन का चुनाव सकुशल और इसी के साथ ही शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लोग लेकर श्रावस्ती पुलिस हाई अलर्ट पर है। श्रावस्ती पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह ने भारत नेपाल सीमा पर चौकसी बढ़ाने के लिए SSB APF सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल के अधिकारियों के साथ संयुक्त मीटिंग की। आपको बता दें कि आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के देखते हुए निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराए जाने और बॉर्डर की सुरक्षा के संबंध में विभिन्न बिंदुओं पर इस मीटिंग में चर्चा की गई। चुनाव के अंतर्गत हम लोगों ने अपनी जो पेट्रोलिंग है वो बढ़ा दी है और इसके साथ साथ हम लोगों ने आज एक स्पेशल मीटिंग कॉल की थी जिसमें नेपाल पुलिस के द्वारा और SSB के द्वारा भी प्रतिभाग किया गया था। हमारे दोनों थाने जो हैं मल्लीपुर और सिरसिया जो बॉर्डर के थाने लगते हैं उन सब के साथ हम लोगों ने आज कोऑर्डिनेशन मीटिंग की है और हम लोगों ने ये अंडरस्टैंडिंग लाई है कि जो भी हमारा जो भरथा BOP है जो हमारे यहाँ से मूवमेंट जहाँ से होता है नेपाली और इंडियन सिटीजन्स के बीच में वहाँ पे जो चेकिंग फ्रिस्किंग है वो बढ़ाई जाएगी, जैसे भी किसी भी प्रकार का इलिसिट आर्म्स वेपन इलिसिट लिकर जो है हमारे बॉर्डर में प्रवेश ना हो पाए, इसके लिए उन लोगों ने पूरा आश्वासन दिया है कि वो हमारी मदद। और वहीं श्रावस्ती में DM नेहा प्रकाश के आदेश पर परिवर्तन अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि भिलवा कोतवाली के भयापुरवा जंगल में छापेमारी की गई। इस दौरान आबकारी निरीक्षक बलराम सिंह और अरविंद कुमार सिंह की टीम ने छापेमारी की। आपको बता दें कि ये छापेमारी सुबह के समय की गई थी। तड़के सुबह हुई कार्रवाई में 48 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई है। मौके से टीम ने 200 किलो लहन भी बरामद किया है। 3 आरोपियों पर आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज भी किया गया है। जैसे जैसे निकाय चुनाव के प्रथम चरण के मतदान के लिए समय नजदीक आता जा रहा है वैसे ही वैसे चुनावी पारा भी चढ़ने लगा है। साथ ही साथ मौसम का भी तेवर तल्ख हो चुका है। मंगलवार को निकाय चुनाव के प्रथम चरण के लिए नामांकन पत्र खरीदने की शुरुआत थी और इसी बीच महात्मा ज्योतिराव फूले की जयंती मनाने झांसी पहुंचे निकाय चुनाव प्रभारी पूर्व राज्यपाल और मंत्री बेबी रानी मौर्य ने अपने कार्यकर्ताओं को लोगों के बीच जाकर उनसे वोट मांगने का तरीका बताया। इस अवसर पर सांसद अनुराग शर्मा, इसी के साथ ही विधायक रवि शर्मा, विधायक डॉक्टर बाबूलाल तिवारी और जिलाध्यक्ष मुकेश मिश्रा आदि उपस्थित रहे। और वहीं औरैया के अजीतमल तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम तेवरलालपुर में आगजनी की घटना देखने को मिली। आपको बता दें कि शॉर्ट सर्किट इसका कारण बताया जा रहा है। घटनास्थल पर तत्काल पुलिस भी पहुंची, ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। हालांकि आपको बता दें कि जब आग पर काबू पा लिया गया उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। किसान राजेश कुमार राहुल संतोष पुत्र गढ़ राधेश्याम त्रिपाठी ने ये बताया कि तकरीबन 1.5 से 2 बीघा फसल जलकर आग की वजह से राख हो चुकी है। घटनास्थल पर लेखपाल आनंद, इसी के साथ ही लेखपाल गिरिजेश आदि लोग मौके पर पहुंचे। तस्वीरें औरैया से आप देख रहे हैं, शॉर्ट सर्किट की वजह से खेत में आग लग गई थी जिससे काफी नुकसान किसानों को हुआ है। और वहीं गोरखपुर में शहर के बीचों बीच स्थित टाउन हॉल चौक पर मंगलवार की रात कुर्सी के गोदाम में आग लग गई। आपको बता दें कि आग लगने से कई दर्जन दुकानें जलकर खाक हो गई। रात करीब 10 से 11 बजे के बीच कुर्सी की दुकान में आग लगी थी, इसकी लपटें उठी और लपटें उठती देखकर स्थानीय दुकानदारों ने अग्निशमन विभाग को सूचित किया। जब तक दमकल की गाड़ी और अग्निशमन कर्मी मौके पर पहुंचते आग बेकाबू होकर बढ़ती गई। आसपास में कुर्सी की ही दुकानें और गोदाम हैं। आपको बता दें कि जिससे आग तेजी के साथ बढ़ती चली गई और पास ही पड़ोस के व्यापारी हैरान हो गए। बढ़ती आग को देखते हुए करीब 8 दमकल की गाड़ियों की तरफ से अग्निशमन कर्मियों ने 45 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। लेकिन इस दौरान तमाम ऐसे व्यापारी थे जिन्हें आग का पता भी नहीं चला और उनकी दुकानें जलकर राख हो गई। फिलहाल कोई जनहानि नहीं हुई है लेकिन आग की ये बड़ी घटना समय के साथ संभाल ली गई, नहीं तो पेट्रोल पंप और होटल जैसे पास पड़ोस के स्थान होने से ये बड़ा रूप ले सकती थी। वहीं दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में चलने वाली ओला उबर कैब की तर्ज पर अब झांसी में भी ऑनलाइन कैब सर्विस की शुरुआत हो चुकी है। जी हां, किया स्मार्ट कैब सर्विस के नाम से शुरू हुई ये सेवा फिलहाल झांसी शहर में ही संचालित होगी। झांसी के रहने वाले आलोक कुमार की तरफ से इस स्मार्ट कैब सर्विस की शुरुआत की गई है। इस स्टार्टअप को झांसी स्मार्ट सिटी
इंक्यूबेशन सेंटर और इसी के साथ ही बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी कि BIET के इंक्यूबेशन सेंटर द्वारा प्रोत्साहन दिया गया है। किया स्मार्ट कैब सर्विस के निदेशक आलोक कुमार ने बताया कि झांसी जैसे छोटे शहर में बड़ी कैब सर्विसेज नहीं चल पाती हैं। कई बड़ी कंपनियां यहां आकर लौट चुकी हैं। 8 महीने पहले हमने इस सर्विस को ऑनलाइन माध्यम से शुरू किया था। स्मार्ट सिटी के इंक्यूबेशन सेंटर से जुड़ने के बाद हमने इसे ऑनलाइन सर्विस में तब्दील करने की योजना बनाई। इसके लिए एक ऐप भी तैयार कर लिया गया है। इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। iOS पर भी ये ऐप जल्द उपलब्ध होगा। ये ऐप सर्विस 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। और वहीं बीते दिनों उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के गांव धनोरा निवासी मोहर पाल ने फैक्ट्री में काम करने वाले अपने बेटे हेमेंद्र की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। आपको बता दें कि सिडकुल पुलिस ने हेमेंद्र और उसकी पत्नी रिंकी उर्फ किरण के मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली तो एक संदिग्ध नंबर निकलकर सामने आया। लापता और संदिग्ध नंबर की आखिरी लोकेशन भगवानपुर निकलकर सामने आने पर पुलिस का शक और गहरा हो गया। हेमेंद्र की पत्नी रिंकी से पूछताछ में आपको बता दें कि उसने अपने पति की हत्या कबूल की है और सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। हालांकि आपको बता दें कि अब पुलिस की तरफ से इस मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है और जो परिवार वाले हैं उनको भी सूचित कर दिया गया है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अब बात हरदोई की करेंगे। हरदोई की सांझी पुलिस ने अवैध तरीके से पिकअप डाला से भरकर ले आई जा रही है। आपको बता दें कि 6,300 बोतल फेंसिडाइल नामक दवा बरामद की है जो अवैध तरीके से ले जाई जा रही थी और इसकी कीमत लगभग 13 लाख रुपए बताई जा रही है। अंतर जनपदीय रायबरेली का रहने वाला एक युवक भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने एक पिकअप वैन भी बरामद की है और सूचना मिलने पर औषधि निरीक्षक के द्वारा दवाइयों का निरीक्षण कर उसका सैंपल भी भर लिया गया है। पुलिस अब इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। यह थाना सांडी का प्रकरण है जिसमें जरिए मुखबरिया सूचना मिली कि एक ट्रक जा रहा है जिसमें अवैध दवाई लदे होने की सूचना है, जिस पर पुलिस सक्रिय होकर चेकिंग की। उसमें उस डाल को पकड़ा गया और जब उसमें चेकिंग करी गई तो उसमें यह पाया गया कि उसमें लगभग 6,300 cc या फेंसाडिल की है और उसमें दस्तावेज मांगे गए तो उसके द्वारा नहीं दिए गए। फिर उसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर को बुलाया गया और उसके द्वारा उसकी सैंपलिंग कराई गई जो है और उस पर उनके निर्देशन पर मुकदमा दर्ज कराया गया और मुकदमा दर्ज कराकर आवश्यक अधिकार। क्या इसकी अनुमानित कीमत होगी? इसकी कीमत लगभग मार्केट मूल्य 12,85,000 बताया जा रहा है। और वहीं खबर गुरसराय नगर की मोहल्ला मातबाना की है जहां पर मातबाना में रहने वाले लक्ष्मी रायकवार पुत्र रतन रायकवार ने आज गुरसराय थाने में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि वो FCI गोदाम में पल्लेदारी का काम करके परिवार का भरण पोषण करता है। 8 अप्रैल की रात्रि करीब 8:30 के बीच जब अपना काम समाप्त करके वो घर वापस लौट रहा था तभी रास्ते में मोहल्ले के ही कुछ लोगों की तरफ से एक साथ होकर प्रार्थी के साथ रोककर जमकर मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी देकर वो लोग मौके से फरार हो गए, जिससे कि उसको काफ़ी चोटें भी आई और वो बेहोश हो गया। उस घटना से प्रार्थी बहुत भयभीत है और उसने थाने में आज प्रार्थना पत्र देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है। वहीं गोरखपुर में भी शासन के निर्देश पर कल हुई अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक के बाद तैयारियों को लेकर आज जिले के चिन्हित 6 सरकारी अस्पताल में मॉक ड्रिल हुई। इस दौरान प्रदेश सरकार की तरफ से गठित एक स्वास्थ्य के नोडल अधिकारी बनाए गए डॉक्टर अमित सिंह के नेतृत्व में तैयारियों का जायजा लिया गया। इस बारे में मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी आशुतोष कुमार दुबे ने कहा कि मॉक ड्रिल का मतलब अपनी तैयारियों को जांचने का एक सुगम तरीका होता है क्योंकि कुबेर की महामारी फिर से बढ़ रही है। गोरखपुर में भी अब तक 35 मरीज पाए गए हैं जिसको लेकर हमारी तैयारियां तो पूरी हैं लेकिन इसको महामारी में ना तब्दील हो पाइए इसको लेकर अपनी तैयारियों का जायजा लिया गया, जिसके लिए जिले में 6 सरकारी अस्पतालों को कोई अस्पताल बनाया गया है। हमारे नोडल अधिकारी अमित सिंह जिन्हें प्रदेश के स्वास्थ्य में रखा गया है और उन्हीं के नेतृत्व में ये तमाम चीजें की गई हैं।
आपको बता दें कि शहर की साफ सफाई में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले स्वच्छकार समाज का आर्थिक और मानसिक रूप से शोषण किया जा रहा है। स्वच्छकारों की समस्याओं का हल ना होने पर उत्तर प्रदेश स्वच्छकार महासमिति के बैनर तले सैकड़ों स्वच्छकारों ने कानपुर में परमट चौराहे से पैदल मार्च किया। परमट से पैदल मार्च करते हुए ये लोग कानपुर मंडलायुक्त कैंप कार्यालय में ज्ञापन देकर समस्याओं का निराकरण करने की मांग कर रहे हैं। महामंत्री कमल वाल्मीकि का कहना था कि 5 सूत्री मांगों को लेकर वो यहाँ पर पहुँचे हैं और ये भी कहा गया कि ठेकेदार प्रथा और संविदा की जो समस्या है वो समाप्त की जाए और इसी के साथ ही सफाई कर्मियों को स्थायी रूप से भर्ती किया जाए। 8,000 रुपए कमाने वाला समाज को आप क्या बनाना चाहते हैं? ये अपने समाज के बच्चों को, ये अपने घर परिवार के बच्चों को क्या खिलाएंगे, क्या पहनाएंगे और क्या शिक्षा दिलाएंगे? इसलिए मैं इस अपने संगठन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं ज्ञापन के माध्यम से ये मांग करता हूँ कि जिस प्रकार से संविधान में के तहत हमारे अपने लोग परमानेंट रोजगार किया करते थे, उनको फंड, बीमा, ग्रेच्युटी मिलती थी, मृतक आश्रित पर नौकरियां भी मिला करती थी, लेकिन इतना बड़ा वो नहीं हो गया जो हमारे हमसे लोगों से इतना बड़ा रोजगार छीनकर आज हमें गुलाम बना लिया गया है। जो उत्तर प्रदेश स्वच्छकार महासमिति ने आज बेरोजगारों के लिए आंदोलन की रूपरेखा रची है, पहली लड़ाई आज है। जो लोग आउटसोर्सिंग में भर्ती किए जा रहे हैं उनके साथ बहुत अन्याय हो रहा है। जो संविदा पर हैं इन सबको नियमित कर्मचारी घोषित किए जाने की मांग कर रहे हैं। जो रिक्तियां हैं, जो स्थान खाली हैं उनको भरे जाने की मांग है। जो कॉलोनियां हैं उनका स्थायी आवंटन किया जाए, ये हमारे साथियों की मांग है। हम समाजवादी पार्टी की तरफ से इनके इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के एजेंडा में पहले भी था कि संविदा और शोषित कर्मचारियों को हम लोग नियमित करेंगे और खाली स्थानों की हम लोग भर्ती करेंगे। और वहीं फतेहपुर जिले में बाबा साहेब के जन्मदिन 14 अप्रैल को लेकर प्रशासनिक तैयारियों सहित डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विकास समिति तैयारियों में जुट चुकी है। एक बैठक के दौरान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विकास समिति अध्यक्ष ने कहा कि 20 से 30 झांकियों के साथ फतेहपुर कस्बे में ये जुलूस निकाला जाएगा। तो वहीं राजनीतिक पार्टियां इस समय राष्ट्रपिता गांधी और सरदार पटेल के नाम के बाद बाबा साहेब के नाम पर चुनाव जीतने की तैयारियों में हैं और अनुसूचित वर्ग का वोट पाने के लिए बड़ी तेजी से बाबा साहेब का नाम लिया जा रहा है। फतेहपुर जिले के आवास विकास स्थित कार्यालय में एक बैठक के दौरान डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर विकास समिति के अध्यक्ष और रिटायर्ड बैंक मैनेजर जियालाल ने कहा कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जन्मदिवस की तैयारियां पूरी तरीके से कर ली गई हैं। गांव कस्बों में मीटिंग हो चुकी है। 20 से 30 झांकियों के साथ कलेक्ट्रेट परिसर स्थित अम्बेडकर पार्क से सुबह 11 बजे जुलूस निकालने का कार्यक्रम किया जाएगा जिसमें जिले के सभी समाज के लोगों को आमंत्रित किया गया है। तो वहीं उन्होंने ये भी बताया कि मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर आनंद कुमार चित्रकूट से यहाँ पर पहुँचेंगे और विशिष्ट अतिथि के रूप में राजाराम उपायुक्त रिटायर्ड इंडस्ट्रीज नोएडा से आएंगे और इसी के साथ ही जिले के अन्य वरिष्ठ जनों को विचार गोष्ठी में आमंत्रित किया गया है। और इसी के साथ ही हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार।